Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Jessica and in this video I'm gonna tell you how to learn the periodic table. अब जब मैं स्कूल में थी तब मैंने इस मेथड से इसे याद किया था एंड मुझे अभी तक ये अच्छे से याद है. नाउ नॉट बिकॉज मेरी मेमोरी कुछ वाव है बट बिकॉज ये मेथड एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव है. नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई कीप अपलोडिंग सच टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. Now this is your periodic table. So we'll start with S block, then D block, then F block, and at last the P block. तो अब आप लोगों को मैं एक poem बताती हूँ. एक line की poem है लीना की रब से फरियाद. एक लड़की है लीना, उसकी रब से माने गॉड से एक फरियाद है, request है. तो है लीना की रब से फरियाद. अब इससे S block का क्या मतलब बनता है? इस poem को हम first group याद करने के लिए use करेंगे. तो now you see, है लीना की रब से फरियाद. ठीक है, बहुत आसान है. हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को अपनी पोएम में प्लेस कर दिया. तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया है लीना की रब से फरियाद. अब ऐसे ही नेक्स्ट ग्रुप के लिए पोएम है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेटा कार मांग रहा है बट जो पापा हैं वो स्कूटर के लिए राजी हैं. ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एस ब्लॉक. ये पोएम्स बहुत ही ईजी हैं, आपको बस दो तीन बार बोलने में याद हो जाएगा. अच्छा, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि पढ़ते टाइम आपको नेट ना चलाना पड़े. नाउ कमिंग टू डी ब्लॉक. अब डी और एफ ब्लॉक की पोएम्स थोड़ी सी बड़ी होंगी लेकिन आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको आराम से याद होएंगी. अब डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन देखिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे कोने क्यों जलाती हैं. तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे कोने क्यों जलाती हैं. नाउ नेक्स्ट लाइन देखिए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना. अब एलिमेंट्स को देखिए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना. नाउ नेक्स्ट लाइन, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी. हफ्ता समझते हैं ना, हफ्ता दो हफ्ता. हाँ, तो ओसामा से कहा जा रहा है कि हफ्ता दो वरना पिटाई और होगी इधर. तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी. नाउ नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, आज रदरफोर्ड डूबना में संग बोर हसमत दस राग सुना. तो रशिया का एक टाउन है डूबना जहाँ के जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च में ड्यूबनियम डिस्कवर हुआ था. और रदरफोर्ड और बोर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. तो रदरफोर्ड डूबना में है बोर के संग और क्या कहते हैं कि हसमत दस राग सुना. तो आज रदरफोर्ड डूबना में संग बोर हसमत दस राग सुना. तो ये हो गया आप डी ब्लॉक. नाउ कमिंग टू एफ ब्लॉक. तो एफ ब्लॉक की फर्स्ट लाइन के लिए, सफर नदी पार में समय यूं गुड तब डे हो और तुम यहाँ लौटो. मतलब कि जो नदी पार करने का जो सफ़र है उसका समय ये होना चाहिए कि गुड डे होना चाहिए और तुम यहाँ पर लौटो. नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है पर आप बस याद कर लीजिएगा. ओके, तो सफर नदी पार में समय यूं गुड तब डे हो और तुम यहाँ लौटो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लाइन, थप्पड़ यूं नापो पुराने आम कम्बे के कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाचोस लाना. अब ये पोएम एक्चुअली में थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो थप्पड़ यूं नापो पुराने आम कम्बे के कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाचोस लाना. समझ आ रहा है? ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट ब्लॉक विच इज़ डी ब्लॉक. तो अब इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं. अब डी ब्लॉक की सारी पोएम्स बहुत छोटी छोटी सी और आपको फटाफट से याद हो जाएंगी. तो फर्स्ट लाइन के लिए, बैगन आलू गाजर इन थैली. बैगन आलू गाजर इन थैली. अब सेकंड लाइन, कहे सीता जी सुनो प्रभु. तो कहे सीता जी सुनो प्रभु. अब नेक्स्ट लाइन, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बीमार. मतलब कोरोना चल रहा है ना आजकल, तो सारे कंट्रीज़ में बीमारी फैली हुई है, तो इसलिए नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बीमार. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ओल्ड स्टाइल से टीपो. टीपो का मतलब जानते हैं? मतलब चीटिंग करना है. मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि चीटिंग करी है लेकिन बस एक लाइन है, करनी नहीं होती है चीटिंग. ओके, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो. नाउ, फिर कल बाहर आई आंटी. तो फिर कल बाहर आई आंटी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, है ना अगर कर जीरो रन.
तो है ना अगर कर जीरो रन। ना डी ब्लॉक की लास्ट लाइन रह गई है ये वाली, तो इसके लिए पोएम बताती हूँ। नहीं फुल मैक्स से लिवर टेंशन में ओजी, मतलब फुल मैक, फुल मैकडोनल्ड्स का कोई बर्गर खाने से लिवर जो है वो टेंशन में हो जाता है। तो नहीं फुल मैक्स से लिवर टेंशन में ओजी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।